ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। शुरू में इतना शोर था तो मैंने अस्सलाम वालेकुम भी नहीं ली, तो चले आप पूछ लेते हैं आपका क्या हाल चाल है। तो हम जा रहे हैं वापस घर में, काफ़ी टाइम उधर हमें रहे थे, 10 बजे तो फायरवर्क शुरू होना था, तो करते करते काफ़ी टाइम लग गया। इतना रश था, इतना रश देखें बाहर निकलते कितना शोर, गाड़ियाँ, हॉर्न, सारा कुछ, एम्बुलेंस, पुलिस। और हम तो घर में रात को 12:30 पहुँचे तकरीबन पौने एक। तो इस रास्ते में ना ये पानी है ना समुंदर वगैरह, तो उधर से ना थोड़ा फ्लड आ गया हुआ था, तो रोड क्लोज़ भी हो गए हुए थे, तो काफ़ी ट्रैफिक थी। तो क्या उसका नाम है, फिर रुकते 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 फिर हमें काफ़ी टाइम हो गया। पहले तो पार्किंग बड़ी दूर की थी, तो उसके बाद हम पैदल, आपको दिखाया होगा मैंने शुरू में कि जा रहे थे हम पैदल गाड़ी के पास, 2 गाड़ियों में हम गए थे, एक फैमिली दूसरी साइड पे बैठ गई थी गाड़ी में, उनकी गाड़ी दूसरी जगह थी, हमारी और जगह थी, तो हम फिर पार्किंग में गए। तो उसके बाद फिर जब ट्रैफिक सारी रास्ता बंद ही बंद, तो ये छोटा जो है रूहान मेरी गोदी में लेट गया, थक गया है, ज़ाहिर है बच्चे हैं ना थक गए हैं, भूख भी लगी हुई थी, फिर इन्होंने खाना वगैरह खाया, चिप्स वगैरह इस तरह जो भी मैं कुछ घर से ले गई थी कुछ उधर से ले लिया। तो जी ये रास्ता ही है सारा, जब वो देख के फायर वर्क निकली है तो कोई उधर रश था, शोर, अपने लोग बातें, क्या कुछ हो रहा था सारा कुछ। तो मैं कहा चलो वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं घर, ट्रैफिक देखें आप, रुकते रुकते हम जा रहे हैं, तो काफ़ी इंजॉय किया, लेकिन 5-7 घंटे लग गए थे तैयार घर से होते, घंटा जाने घंटा आने उधर देखने, तो इसलिए फिर इंजॉय तो काफ़ी किया था, उम्मीद है आप सब ने भी किया होगा। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने देखा है मुझे, तो शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। तो ये काफ़ी फेमस जगह है जिधर हम जाते हैं, कई दफ़ा तो अपने इलाके में देख लेते हैं, लेकिन फिर हम चले गए थे इस दफ़ा उधर, प्रोग्राम बना था
ये काफ़ी देखें, ये देख रहे होंगे आप, समुंदर वाली साइड है तो वो पानी आ जाता है इधर, तो फिर काफ़ी वो ब्लॉक हो जाते हैं रोड, तो फिर घर में वो हमारा वो सिंक भी ख़राब था जिधर बर्तन धोने होते हैं, उधर इतना ढेर लगा हुआ था घर में। वैसे हम बारबेक्यू करके गए थे, फिर वही गर्म करके फिर भूख लगी थी घर में, वही सारा कुछ खाया है, और साथ मैंगो शेक बना के पिया था। घर रास्ते में तो नींद आ रही, सबके बच्चे बच्चे सोए हुए थे, दो बच्चे दूसरी गाड़ी में थे, दो मेरे साथ थे, तो जाते जाते सो गए थे उधर जा, घर जाके तो फिर जैसे दिन चढ़ गया था, है भी छुट्टियां ही थी, तो फिर रात को खाना वगैरह खा कर काफ़ी लेट ही सोए। ये देख रहे होंगे आप कि उधर फिर कंट्रोल करना पड़ा था पुलिस को, ट्रैफिक को, और कुछ कोई हादसा वगैरह हो जाए या कुछ एक्सीडेंट तो वो फिर उधर वो भी एम्बुलेंस वगैरह का भी है था सारा। ये देखें जी, रोड क्लोज किया हुआ है, तो ये सारा उन्होंने हर जगह हर चीज़ का अलर्ट पहले ही होते हैं ये लोग कि कुछ ना हो ना जाए वो, तो इसलिए रास्ता भी यही था, इधर से निकलेंगे तो कहीं और निकलेंगे ना, तो फिर हम लोग फिर बच्चे तो सो ही गए थे। चलें जी, अब हम घर आ गए हैं, तो मिल्क शेक पी रहे हैं और बारबेक्यू फिर इंजॉय कर रहे हैं, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये देखें मैं आपको सिंक दिखा रही हूँ कितना, फिर सुबह उठ के मैंने बर्तन सारे लॉन्ड्री में धोए, फिर कहीं जाकर सही है। ओके जी।